Hey guys, welcome back to my YouTube channel VHK Vlog. So, आज मैं जा रहा हूँ देहरादून के लिए मामा को पिक करने के लिए जा रहा हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक के ऊपर और वहाँ से जो है मैं गाड़ी लाऊंगा और उसके बाद देखते हैं फिर। यार यहाँ पे डॉग आ रहे हैं पीछे से, ये देखिए। एक्चुअल में सीन ऐसा है कि अभी जो है मैं सुबह से निकला हूँ 3 बजे का और 3 बजे के बाद में अभी एक्चुअली 6 बज रहे हैं, तो इस टाइम मैं पहुँचा हूँ नालागढ़ के पास में। तो अभी बजने वाले हैं 8 और देखता हूँ कितनी देर में पहुँचता हूँ यहाँ से। अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 250-300 किलोमीटर होगा, 250 किलोमीटर हो जाएगा आई थिंक सो। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो जी अभी हम एंटर हो चुके हैं पंचकूला में और यहाँ से थोड़ा सा आगे रहता है, रेड लाइट है। आजकल चंडीगढ़ में कैमराज वगैरह बहुत ज़्यादा लग गए हैं और चलान होने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। और देखिए कभी आपने देखा कि ये बंदा कैसे निकला यहाँ से, मतलब रेड लाइट थी तब भी ये बंदा यहाँ से निकल गया। तो इस चीज़ को बेवकूफ़ी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। अच्छी खासी रेड लाइट है, जहाँ पे नहीं होती है वहाँ पे तो पता ही है कि निकलना है या कहीं ना कहीं से निकलना है। चलो ग्रीन हो गया अभी। तो जी अभी हम हरियाणा में एंटर हो चुके हैं और आप देख सकते हो चारों तरफ बहुत सारे खेत ही खेत हैं और बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। सो एक दूसरे वाला जो हाईवे है ये जो मेरे लेफ्ट साइड से जा रहा है ये वाला है और यहाँ से ये वाला जो रोड है बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और ये जो पीछे वाला रोड था ये काफ़ी अच्छा था, नो डाउट। और लोग तो ऐसे ही निकले जा रहे हैं यहाँ से, तो अपने को कोई भी रिस्क नहीं लेने का। और यहाँ से पोंटा साहिब जो है 75 किलोमीटर रह चुका है अभी और देहरादून 120। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो जी अभी के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी हम पहुँचने वाले हैं नाहन के बाईपास के पास और यहाँ पर रह गए 2 किलोमीटर वो। और अप्रॉक्सीमेटली मुझे वहाँ देहरादून पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लगेंगे। एक्चुअली मैं जो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ वो डायरेक्टली बाइक पे ही करूँगा, कोई भी अभी फेस वैल्यू नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि मुझे जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी पहुँचना है। क्योंकि ऐसा है कि अभी 9:20 हुए हैं और 73 किलोमीटर रह गए हैं मुझे, तो काफ़ी ज़्यादा रन कर लिया मैंने वैसे तो थोड़ा सा मेरे उंगलियों में भी दर्द होना स्टार्ट हो गई है, बट चलो फिर भी थोड़ा सा तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जितना जल्दी पहुंचूंगा उतना फ़ायदे में रहूँगा, क्योंकि रात को वापस भी आना है। अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर का तो ये रन हो ही जाएगा मेरा। और भाई साहब इतनी देर में मैं 3 बाइकें निकाल देता। तो भी यहाँ पीछे जैसे से एक शॉर्टकट भी जाता था बट मैं उस रोड से नहीं होके गया, क्योंकि वो सिंगल रोड है तो ओ कैसे कैसे ओवरटेक ले रहे हैं बंदे। ओवरटेक ऐसे ली जाती है। भाई साहब ये रोड तो बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत ही पेशेंस से 120-130 पे जा रही है, पूरे धमाल मचाते हुए, बहुत ही तगड़े वाला रिस्पॉन्स है यार। अभी यहाँ पे टर्न है, थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। 6th गियर पे बहुत ही बढ़िया मजा आ रहा है। ये मोड़ और ये सामने वाला मोड़ ये दो बहुत ही खतरनाक है यहाँ पे, और स्पीड जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो अपने कंट्रोल में चलिए और तो बस इतना ही है। जब भी स्पीड ब्रेकर आता है ना तो अपने को उठना पड़ता है, क्योंकि अपने को बम्प्स पे जंप्स नहीं चाहिए। चलो मिलते हैं आपसे पोंटा के पास। लो जी अभी हम पहुंच चुके हैं पोंटा साहिब के पास और ये देखिए
कितनी बड़ी नदी है ये, बहुत ही बड़ी। और जब बरसात में नदी आती है ना, बहुत ही ज्यादा पानी होता है यहाँ पे, और सारा ये वाला एरिया जो है पूरा पूरा पानी से भरा होता है। यहाँ पे कूड़े का ढेर लगा रखा है पीछे। फाइनली आई एम रीच्ड हियर, सो अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा और मामा वगैरह को पिक करूँगा, फिर उसके बाद देखते हैं घर के लिए निकलेंगे। थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगा नहा धो के, फिर निकलते हैं। अभी के लिए आई थिंक सो एंट्री वगैरह करना पड़ेगी या क्या है, तो जो भी है वो चेक कर लेंगे यहाँ पे क्या सीन है। अभी किसी ने पूछा भी नहीं वैसे तो एंट्री के लिए, वैसे यहाँ पे एंट्री वगैरह तो होती है। पौने 11 4 बजे पूछे को नहीं है, नहीं है मैं निकल आया।